देश के एमएसएमई सेक्टर को पेमेंट वसूली में हो रही देरी का सामना करना पड़ रहा है ग्लोबल अलाइंसेज फॉर मास अंतरप्रोन्यरशिप की रिपोर्ट बताती है कि 2021 के अंत तक एमएसएमई सेक्टर की छोटी और सूक्ष्म इकाइयों की लगभग आठ दशमलव सात तीन लाख करोड़ रुपए की देनदारी फंसी हुई है जो पूरे एमएसएमई सेक्टर की लगभग अस्सी फीसद लेनदारी है ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के साथ साझा की गई है कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब ये सेक्टर उभर ही रहा है लेकिन लेनदारी फंसने की वजह से सेक्टर की कई इकाइयां भारी नुकसान में फंसी हुई हैं। सर ये पेमेंट की क्राइसिस कितनी बड़ी है एमएसएमई के लिए शुभम ये पेमेंट के क्राइसिस भारत के एमएसएमई की बुनियादी क्राइसिस है और आप... इससे पहले इकोनॉमिक इकोनॉमिकमेन हम जा, हमने जब एम पर चर्चा की थी एक एपिसोड में उस एपिसोड में हमने इस पर विस्तार से, से समझने की कोशिश की थी भारत में आमतौर पर छोटी इकाइयों को 45 से 50 दिन से कम समय में पैसा मिलता ही नहीं है भुगतान ही नहीं मिलता है चाहे वो बड़ी कंपनियों को, को आपूर्ति कर रहे हो चाहे वो सरकार को आपूर्ति कर रहे हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आपूर्ति कर रहे हो सामान्य रूप से उनके उन्हें मिलने वाले भुगतान पैंतालीस से पचास दिन लेट होते हैं कोविड के दौरान काफी सारी चीजें टूट गई और उनके भुगतान और ज्यादा पिछड़ गए अब जो आंकड़े हमारे सामने हैं। ये पेमेंट क्राइसिस क्राइसिस दरअसल भारत के उद्योग की बुनियादी फंडामेंटल है और इसलिए इस पेमेंट क्राइसिस के के कारण भारत छोटे उद्योग ना तो नई परियोजनाओं में निवेश कर पाते हैं ना वो नए प्रोडक्ट डेवलप कर पाते हैं उनके उन्हें अधिकांश ऐसे कर्ज लेने पड़ते हैं जो कर्ज उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पीछे से कच्चा माल लेना है किराए बिजली लेबर के बिल्स पे करने हैं और बनाकर बेचा है उसे पाने के लिए उन्हें साठ पैंतालीस पचास दिन 60 दिन लगेंगे ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए इसलिए क्योंकि दो तीन बार सरकार भी ये बात स्वीकार कर चुकी है कि एमएसएमई को समय से पेमेंट नहीं मिलता इस रिपोर्ट में शुभम एक बहुत रिवीलिंग जानकारी ये है कि सेक्टर वाइज अगर हम देखें कि पेमेंट कहाँ से डिले हैं तो सरकारी कंपनियों छोटी कंपनियों का साठ इकसठ फीसदी बकाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे यानी सरकारी कंपनियों पे सरकारी विभागों पर है यानी छोटे नगर निकायों पर सरकार की की छोटी बड़ी, बड़ी कंपनियों पर तो सबसे ज़्यादा पैसा तो एमएसएमई कंपनियों का सरकार ने, ने खुद रोक रखा है जिसका वो भुगतान नहीं कर रही इसके अलावा दूसरा जो बड़ा सेक्टर है जो भारत में बीमार है और पूरी तरह ध्वस्त है वो उस पर पचपन परसेंट पैसा बकाया है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है निर्माण का सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर मकान इन पे यहाँ एमएसएमई की बकायादारी पचपन है इक्यावन फीसदी हिस्सेदारी फिनंस कंपनियों पर है बी एफ इंडस्ट्री पर है करीब उनतालीस परसेंट बकायेदारी रिटेल ट्रेड पर है यानी जो बड़े आर्गनाइ ऑर्गनाइज रिटेल के लोग हैं उन्होंने छोटी कंपनियों से जो सामान या सेवाएं ली उनका पैसा उन्होंने नहीं दिया इसके बाद एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और माइनिंग आते हैं होलसेल ट्रेड पर सबसे कम बारह परसेंट है छोटी कंपनियों की यह समस्या इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी है क्योंकि ये इस पेमेंट की सिस्टम की पेमेंट के क्राइसिस ने भारत के अधिकांश छोटे उद्योगों को दरअसल कारोबार की के मुख्य मुख्य धारा से बाहर ही कर दिया है और चूंकि भारत में छोटी कंपनियों का मतलब एक बहुत बड़ा दायरा है छोटी कंपनियों में में दस करोड़ पास करोड़ से लेकर और सौ करोड़ डेढ़ सौ करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनियाँ आती हैं तो जिस कंपनी के पास पेमेंट को लंबे समय तक डिले रखने की क्षमता होती है वही सर्वाइव कर पाती है बाकी कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है सर ये रिपोर्ट और क्या बताती है ये रिपोर्ट इसके साथ यह भी बताती है कि के, 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 के इसीलिए केंद्र सरकार को शायद दी गई है कि केंद्र सरकार दो तीन बार यह बात कह भी चुकी है वित्त मंत्रालय ने भी इससे पहले यह बात कही है आ, अभी हाल में नितिन गडकरी ने भी यह बात कही थी कि सरकार के के विभागों के ऊपर भी पांच लाख करोड़ रुपए के आसपास की बकायेदारी एमएसएमई की है यह रिपोर्ट उस तरफ इशारा करती है कि बकायेदारी अगर वहां से निकल कर आ सके कम से कम सरकार तो अपने समय से अपने भुगतान शुरू कर सके जिससे कि उनके बकाये पैसे मिल सके और वो कारोबार को, को आगे बढ़ा सकें